अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर वाचिंग वॉक अंडर द शेड ऑफ कुरान। आज हमारा थर्ड एपिसोड है सेकंड पारा का। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कूल डूड के बारे में बताएं कि वो कैसा शख्स होगा, या एक वो बंदा जो लग्जरियस लाइफ गुजारता हो वो कैसा शख्स होगा, अगर जो बेहतरीन शख्स आपके सामने आए, आपकी इमेजिनेशन के अंदर आए, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ये सब कुछ था। मुसअब बिन उमैर के वालिद जो हैं वो बहुत वेल्दी शख्स थे, तो उन्होंने अपने बच्चे की जो परवरिश है वो बहुत लग्जरियस स्टाइल में की थी। यहाँ तक क्या आता है कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक ड्रेस पहन लेते थे उसके बाद वो वापस नहीं पहनते थे, बल्कि उनके ड्रेसेस यमन से आते थे और ब्रांडेड ड्रेसेस होते थे, जो कि नेचुरली जनरली उस वक्त का तरीक़ेकार नहीं था कि वो ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। आज हमारे दौर में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग होते थे जिनके बारे में मशहूर था कि ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तो मुसअब बिन उमैर उनमें से एक थे। मुसअब बिन उमैर परफ्यूम लगाते थे और वो ऐसी परफ्यूम होती थी कि दो दो गलियों तक उसकी खुशबू जाती थी। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के जूते जो हैं वो यमन से बन के आते थे। सो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सब कुछ था, और उनके बल के बारे में आता है कि उनके साथ उनके चार ग़ुलाम उनके कपड़े को उठा के चलते थे। इतने महंगे और इतने बड़े लंबे कपड़े पहनते थे कि उनके साथ उनके ग़ुलाम भी चलते थे। लेकिन जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही एक्सेप्टेड इस्लाम राइट अवे। और वो आहिस्ता आहिस्ता करके दीन की तालीम ले रहे थे और दार अरकम जा रहे थे। उनकी वालदा खुनास बिनत मालिक, शी वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। कुछ औरतें होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर, उनकी मदर उनमें से एक थी। तो मुसअब बिन उमैर को किसी शख्स के बारे में खौफ नहीं था, यानी वो इस्लाम तो ले आए थे लेकिन उनको किसी शख्स के बारे में खौफ नहीं था। चाहे किसी को भी पता चल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक शख्स के बारे में उनको डर लगता था और उनकी वालदा थी कि अगर उनको पता चल गया तो उनके ऊपर बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो एक दिन वो दार अरकम में, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे, लोगों को तैयार करते थे, वो दाखिल हो रहे थे और किसी और शख्स ने उन्हें देख लिया, और उन्होंने जाके उनकी वालदा को शिकायत लगा दी कि मुसअब जो है वो मुसलमान हो गया। मुसअब जब घर आए, उनकी वालदा ने उनसे पूछ गिछ की कि मुसअब, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तो मुसअब ने कहा कि जी हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुसलमान हो जाए। उनकी वालदा ने कहा कि मैं तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूँगी जब तक तुम ये छोड़ ना दो, ये मोहम्मद के दीन को छोड़ ना दो। मुसअब ने कहा कि आपकी जैसी 100 माएँ भी हों मैं इस दीन को नहीं छोड़ सकता। आपकी जैसी 100 माएँ भी ये बात कहेंगी तो मैं इस दीन को नहीं छोड़ूँ। उसके बाद उनकी वालदा ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, उनकी पिटाई की और उनको एक जगह पे बंद कर दिया। तो इमेजिन करें एक यंगस्टर, एक नौजवान जो मुसलमान हुआ हो और उसकी पूरा कबीला, उसका पूरा ख़ानदान उसके ख़िलाफ़ हो गया, और सबसे पहला शख्स जो उसके ख़िलाफ़ हो वो उसकी वालदा हो। कितना मुश्किल होगा। लेकिन मुसअब ने वो सारे चैलेंजेस, वो सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन समहाउ मुसअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज एबल टू एस्केप फ्रॉम दैट प्रिजन, और वो अबिसिनिया चले गए। अबिसिनिया से वापस आने के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना भेज दिया टू स्प्रेड दावा, टू स्प्रेड द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मदीना। और बड़े बड़े सरदार मदीना के मुसअब बिन उमैर के हाथों मुसलमान हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो वो सारे लोग जो मुसलमान हुए हुए थे वो सब के सब मुसअब के हाथ पे मुसलमान हुए थे। तो इमेजिन करें कि जो जो इस्लामिक सोसाइटी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वो मुसअब बिन उमैर के हाथ हुई, एक नौजवान के हाथ हुई। तो अगर आप नौजवान हैं और आपका ख़ानदान, आपका कबीला, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं जस्ट बिकॉज यू फॉलो द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, डोंट वरी। हो सकता है अल्लाह आपसे बड़े काम लेना चाहता हो, जैसा कि मुसअब बिन उमैर से लिए थे। मुसअब बिन उमैर ने ये सारी फाउंडेशन रखी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो इस्लामिक सोसाइटी कायम हो गई। फिर जंग उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसअब बिन उमैर लड़े, और उनके पास एक फ्लैग था। डिफरेंट आर्मीज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिवाइड कर दिया था डिफरेंट ग्रुप्स में, और एक ग्रुप के सरदार जो हैं वो मुसब बिन उमैर थे। मुसब बिन उमैर के हाथ में मुसलमानों का झंडा था। एक काफिर ने मुसब बिन उमैर को देखा, उसने वो हाथ काट दिया जिसके हाथ जो हाथ में फ्लैग था। तो उन्होंने वो फ्लैग गिरने से पहले पहले उन्होंने अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया और दूसरा हाथ भी फिर उस शख्स ने काट दिया। तो मुसब बिन उमैर ने अपने बाजुओं के, अपने ऊपर आर्म्स के बगलों के अंदर उसको जो है पकड़ लिया कि किसी ना किसी तरीके से मैं इस झंडे को गिरने ना दूँ। लेकिन उस काफिर ने मुसब बिन उमैर को फिर अपने खंजर से मारा जो उनके सीने में लगा और वहाँ पे गिर गया। मुसब बिन उमैर की जब तदफीन हो रही थी तो, और बाकी सहाबा भी थे जिनकी तदफीन हो रही थी, शुहदा थे, तो मुसब बिन उमैर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। उनके लिए कपड़े नहीं थे, उनकी तदफीन के लिए ज़्यादा कपड़े मौजूद नहीं थे। तो किसी शख्स को भी एक से ज़्यादा कपड़े में नहीं तदफीन की गई। तो मुसब बिन उमैर को जब ढांपते थे नीचे से तो उनका ऊपर वाला बदन जो है खुल जाता था, ऊपर वाले बदन को ढांपते थे तो नीचे वाला बदन खुल जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर कहा कि मुसाब, मैंने तुम्हें मक्का की गलियों में देखा है, तुमसे बेहतरीन लिबास कोई नहीं पहनता था, तुमसे ज़्यादा बेहतरीन परवरिश किसी की नहीं हुई थी, तुमसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में किसी ने ज़िंदगी नहीं गुजारी मक्का के अंदर। लेकिन आज तुम्हारे पास पूरे जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े मौजूद हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सैडनेस के साथ ये बयान फरमा रहे थे कि मुसाब, तुमने इतनी कुर्बानियाँ दी कि कहाँ तुम थे, क्या शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे, तुम एक प्रिंस की तरह ज़िंदगी गुजारते थे, और आज तुम्हारे पास दो कपड़े भी मौजूद नहीं जिससे तुम्हारी तदफीन की जाए। सुभानअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह बकरा के अंदर फरमाते हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम समझते हो तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे ऊपर आजमाइशें और मुसीबतें और परेशानियाँ नहीं आएंगी जैसे तुम्हारे से पहले वाले लोगों के ऊपर आई थी। सहाबा के ऊपर आई थी, ताबईन के ऊपर आई थी, मुहद्दिसीन के ऊपर आई थी और दूसरे अंबिया के ऊपर आई थी। तुम समझते ऐसी बस जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्राउ, उनके ऊपर पहुँची तकलीफ़ें, वज़र्राउ और परेशानियाँ, वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल, और ज़लज़ले, नॉट द अर्थक्वेक्स, बल्कि ऐसी परेशानियाँ, ऐसी मुसीबतें, ऐसी मुश्किलात कि उनको ऐसे लगा जैसे उनके नीचे से ज़मीन निकल गई, ज़मीन हिल गई। वज़ुलज़िलू, उनको हिला कर रख दिया। हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने कहा, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और उनके साथ जो ईमान लेकर आए थे, उनके हवारी, उनके सहाबा, उनके दोस्त, उनके लिए जाने निछावर करने वाले, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर तकलीफ़ें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी अगर आप ईमान लेकर आ रहे हैं। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला, इनकी पूरी फैमिली को जिस तरह तकालीफ दी गई मक्का के अंदर, इनकी वालदा सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, शी वाज द फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम, सबसे पहली शहीदा है इस्लाम की। इनके बारे में मशहूर था कि ये इस्लाम को फैलाने में बड़ी पैशनेट थी। जब ये इस्लाम लेकर आई तो लोगों को जाके बताती थी, मैं इस्लाम लेकर आई हूँ और ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, इस्लाम है। तो अबू जहल, मक्का का जालिम शख्स, सरदार, वो इनका मालिक था और ये ग़ुलाम लॉन्डी थी उसकी। तो अबू जहल ने जब ये सुना कि ये सुमैया जो है वो इस्लाम की दावत दे रही है, मोहम्मद के दीन पर आ गई हैं, तो उसने इनको मारा, और इतना मारा कि एक दफ़ा उनके पेट के नीचे उसने चाकू घुसा दिया और राइट अवे उनकी डेथ हो गई। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये पहली औरत थी जिन्होंने इस्लाम के लिए शहादत पाई। फिर उनके वालिद को, अम्मार के वालिद यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मारा, उनकी पिटाई की और उनको भी शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तकालीफ, ये परेशानियाँ देखी इनकी फैमिली की, Rasulullah SAW ने कहा, या आल यासिर, ए आल यासिर, ओ द फैमिली ऑफ यासिर, आई नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद यू, आई एम सीइंग ऑल दिस, आई डोंट हैव इनफ पावर्स कि मैं आपको बचा सकूँ, आपके लिए कुछ कर सकूँ, बट आई एम एम्पैथाइजिंग विद यू, आई एम विद यू बाय एनी मीन्स, अस्बर, लेकिन सब्र कर, सब्र करना है, यहाँ तक कि मेरी तुम्हारे से मुलाकात होगी जन्नत के अंदर, तुम मुझसे जन्नत में मिलोगे। अम्मार, अम्मार का कोई फैमिली नहीं थी एक्सेप्ट द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज उनकी फैमिली, उनकी वालिदा का इंतकाल, उनकी वालिदा को शहादत मिल गई, उनके वालिद को शहादत मिल गई, तो उनका कोई नहीं था, बच्चे थे, ग़ुलाम थे, उनके वालिद वालिदा दोनों को शहीद कर दिया गया, तो उनकी फैमिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली। इस तरह खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि उन पर कितनी तकलीफ़ दी गई, कि यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफ़ा उन्हें बुलाया और कहा कि मेरे करीब हो जा, जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने कहा कि किसी और को हक़ नहीं है कि इतने करीब हो मेरे सिवाय अम्मार के। अगर अम्मार होता, अगर आज अम्मार होता तो वो मुझसे इधर इतने करीब होता, क्यों? क्योंकि तुमने तकलीफ़ें सही हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, बिलाल रज़ी अल्लाह के बारे में आते हैं कि उनको मक्का में तपती ज़मीन के ऊपर लिटा दिया जाता था, उनके ऊपर ईंटें रख दी जाती थी, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ निकलता था अहदुन अहद। उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता था कि अल्लाह अकेला है। तो एक दफ़ा उमर रज़ी अल्लाह ताला से मिलने अबू सुफियान आए और उनके साथ एक और सहाबी भी थे, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला किसी काम में बिज़ी थे, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अबू सुफियान को और उनके साथ जो सहाबी थे उनको रोक दिया, उनको कहा कि अभी आप बाहर इंतज़ार फरमाएं। और इसी दौरान बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उमर रज़ी अल्लाह ताला से मिलने आए, तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप अंदर आ जाएं। तो अबू सुफियान, बिकॉज ही वॉज सरदार, वो एक बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है उमर, बिलाल वो ग़ुलाम तुम्हारे पास आया, तुमने उसे इजाज़त दे दी, और मैं जो मक्का का सरदार था तुमने मुझे इजाज़त नहीं दी। तो उनके साथ जो सहाबी मौजूद थे उन्होंने कहा कि अबू सुफियान, तुम्हें वो वक्त याद नहीं है जब बिलाल पहले मुसलमान हो गए थे और तुम बाद में मुसलमान हुए थे? बिलाल ने जो तकलीफ़ें दी, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो तुमने बर्दाश्त नहीं की। तो जब वो पहले इस्लाम लेकर आए तो उनका हक भी बनता है कि वो पहले अंदर दाखिल हों, उनका स्टेटस हायर है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक रिस्पेक्टफुल बंदा वो है जो अत्काकुम, तुम में से ज़्यादा तकवा वाला है। तो बिलाल का तकवा ज़्यादा है, बिलाल पहले मुसलमान हुए थे, बिलाल ने ज़्यादा तकलीफ़ें देखी। तो अगर आप तकलीफ़ें देखते हैं इस्लाम के लिए, दीन पे चलने की वजह से, आपके दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, आपको आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या मौलवी बन गया, समथिंग लाइक दैट। बी फर्म, बी फर्म, क्यों? क्योंकि इन्नल्लज़ीना क़ालू, जो लोग कहते हैं क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि अल्लाह हमारा रब है और इस्तक़ामत इख्तियार कर देते हैं। तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, और उनको कहते हैं कि खौफ ना करो, गम ना करो। खौफ हमेशा फ्यूचर का होता है और गम हमेशा पास्ट का होता है। तो अगर कोई तकलीफ़ें पास्ट में आई हैं तो गम ना करो, इसके बदले जन्नत है, इसके बदले सवाब है, इसके बदले बहुत रिवॉर्ड्स हैं। और फ्यूचर में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर परेशानियाँ, मुश्किलात आएंगी, तो खौफ ना करो, अल्लाह इज़ विद यू। सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिम मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह, और उनको वो बशारत देते हैं जन्नत की जिसकी तुमने वादा किया था। तो आप सहाबा के किस्से उठा के देखें, उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आईं, परेशानियाँ आईं, वो आपकी परेशानियाँ आपको छोटी लगने लगी। हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप पर उहद से ज़्यादा मुश्किल दिन कोई गुजरा है? वॉज देयर एनी डे मोर डिफ़िकल्ट दैन द डे ऑफ उहद? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कभी ये बात नहीं कही थी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुश्किलात सहाबा के सामने पेश नहीं की, उनको बताया नहीं, उनका मोरल डाउन नहीं किया। लेकिन क्योंकि सवाल पूछा था आयशा ने, तो उनका जवाब था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, जब ताइफ के लोगों ने मुझे निकाल दिया था, उस वक्त जो मेरे ऊपर तकलीफ़ जो मुझ पर गुजरी थी वो उहद से ज़्यादा तकलीफ़ दे थी। बिकॉज दैट डे आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, मेरे साथ सिर्फ एक मेरा यार था, मेरा ग़ुलाम था, मेरा साथी था, उसके अलावा कोई नहीं था। मैं अकेला था और ताइफ की गलियों में मुझे पत्थर मारे जाते थे, मुझे बुरा भला कहा जा रहा था और मेरे जिस्म से खून निकल रहा था, यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव जो है वो उनकी चप्पलों से चिपक गया था खून की वजह से। इमेजिन करें कितना खून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहता। तो मेरे और आपकी तकलीफ़ें क्या हैं, ये मुश्किलात क्या हैं? और अभी तो टाइम है। इकबाल कहते हैं कि है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। नौजवानी ये है, यंगस्टर यूथफुलनेस ये है कि आप अपनी नौजवानी को गुजारें अच्छे कामों के अंदर। स्ट्राइव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एक्सेलेंस का लेवल लेकर आए, जो कर सकते हैं करें, अभी तो टाइम है। उसके बाद टाइम नहीं होगा, आप पछताएंगे कि काश उस वक्त ये काम कर लेता, काश उस वक्त ये काम कर लेता। सो दिस इज़ द टाइम कि आप कुछ कर लें। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। इस मैसेज के साथ अस्सलाम वालेकुम।